हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग प्राइम। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आया अभी 2-3 दिन में लास्ट, और मैंने मई महीने का एक वीडियो भी बनाया था, उससे जाके आप थोड़ा सा इंसाइट भी ले सकते हो। और हाल ही में मैं शायद 3-4 दिन पहले मैंने एक ट्विटर में पोस्ट भी डाला था, व्हेन वीक्स इज राइजिंग लाइक इंडेक्स इज राइजिंग बट आपका स्टॉक प्राइस नहीं कर रहा उस हिसाब से, तब आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला मतलब वो सिग्नल होता है कि अभी मार्केट में फॉल आने वाला है। तो मैं दिया जो भी हो, और मैंने मई महीने में भी दिया था कि थोड़ा अब जाके फिर अगर आ जाता है देन वहाँ से सेलिंग अच्छा आएगा, बट अब तो नहीं गया। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी यहाँ से सेलिंग और आएगा क्या हो सकता है। वीकली कैंडल भी थोड़ा स्केरी दिख रहा है, दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही थोड़ा स्केरी दिख रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगले वीक हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं और क्या हम लोग को दिख रहा है। अभी चलते हैं चार्ट पे डायरेक्ट और हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो वीकली चार्ट बना हुआ है, ये वाला कैंडल जो बना हुआ है, थोड़ा सा स्कैरी है, ठीक है। लेकिन ये स्कैरी तो है, लेकिन ये कितना तक सेलिंग आ सकता है अभी, हाँ, तो अभी ये हम लोग देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशनशिप हो रहा है। मतलब मेरा जो देखो मेरा जो टेक्निक है, मैं जिस हिसाब से ट्रेड करता हूँ मैं उसका बता रहा हूँ। मैंने भी आपको उस दिन भी बताया था कि मैंने उस दिन शॉर्ट किया था, तो बताना चाहता हूँ आपको कहा मैं कहाँ शॉर्ट किया और आज भी मैंने शॉर्ट किया, कहाँ शॉर्ट किया। तो मैंने उस दिन बताया था कि मैंने इस कैंडल के नीचे में शॉर्ट कर दिया था, यहाँ पर इस टॉप में शॉर्ट कर दिया था। देन मेरा आज टारगेट था ऑलमोस्ट यहाँ तक, ये वाला टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया, 8000 मतलब 49000 के आसपास मेरा टारगेट था, देन वो हो गया। देन मैंने बुक भी कर लिया क्योंकि मुझे मेरा टारगेट मिल रहा था कि अभी जो मार्केट है वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे देन आप प्रॉफिट घर लेके नहीं जा सकते, कि ऐसा हो सकता है मंडे के दिन फिर से ऊपर चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो था मैंने वो कर लिया। और इसके बाद मैंने आज जो मैंने शॉर्ट किया, मैं कहा क्या आज भी मैंने शॉर्ट किया इसी कैंडल के नीचे का एकदम सेकंड जो कैंडल इसके नीचे ही मैंने शॉर्ट किया। और इस ये सब मैं कैसे करता हूँ नहीं करता हूँ ये थोड़ा सा लंबा चीज़ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चार्ट देखता हूँ, तो मुझे मतलब मुझे जो गट फीलिंग से मैं ट्रेड करता हूँ मोस्टली, कि मैं चार्ट देख देख के मैं रैंडमली चार्ट देखता हूँ। बैंक निफ्टी का लगा दिया 5 मिनट का चार्ट में देख रहा हूँ, लास्ट 1 साल 2 साल में कैसा ट्रेड करता है, 10 मिनट का लगा दिया। और ये सब जो टाइम फ्रेम है ना, इसके पीछे बहुत कुछ बातें हैं। तो इस ये भी एक मेरा मतलब, ये आप रैंडमली यूज़ मत करो, 18 मिनट 30 मिनट 45 मिनट से रैंडमली यूज़ मत करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। इसलिए मैं लाइक वो सब आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं सिखाऊंगा सब कुछ। मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था, लेकिन हाँ मेरा टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था ऑनेस्टली, मैं यहाँ पर ही कहीं पर निकल गया था इस लेवल पे, जब ये वाला कैंडल बना था ग्रीन कैंडल, मैं यहीं पर कहीं पर निकल गया था, ठीक है। तो मेरा निकल गया, मेरा टारगेट हो गया, मैं निकल गया, मेरा टारगेट इसी लेवल के आसपास था, 49100 के आसपास था। देन यहाँ पर जो हॉल्ट कैंडल बनाया था, मैं सोचा कि चलो ठीक है यहाँ से शायद मार्केट रिवर्स हो सकते हैं, देन मैं यहाँ से निकल गया। तो ये सब कैसे आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो वो भी मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले वीकली चार्ट में, वीकली चार्ट में क्या हो गया। और मैंने आज सेंसेक्स में भी एक लास्ट में एक थोड़ा सा हल्का सा हीरो जीरो भी किया कॉल साइड में, वो भी अच्छा खासा हो गया था, ठीक है। तो वो सब आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। मैं ऑप्शंस में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं ऑप्शन मेरा डॉगी थोड़ा मेरे सामने खेल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा साउंड आ सकता है बैकग्राउंड में, सो डोंट माइंड। तो जो मैंने सेंसेक्स में भी कॉल मतलब कॉल का पोजीशन लेके मैं वहाँ पर भी अच्छा खासा मेरा हो गया था। अभी मैं देखो मैं ऑप्शंस में क्या बताने वाला था कि मैं ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ, मेरा रिस्क बहुत कम होता है, और मैं थोड़ा सा अलग टाइप से ट्रेड करता हूँ। मान लो कि मेरा थोड़ा पैटर्न अलग है, मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता है मेरा, 1:5 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहता है मेरा, 1:5 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहता है, ठीक है, सॉरी। तो जो भी है मेरा 1:5 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रहता है, तो मैं उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ। मेरा कोई भी ट्रेड देखना 1:5 मिनिमम आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, हाँ। तो अभी अभी क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, थोड़ा स्केरी दिख रहा है बैंक निफ्टी, नो डाउट पूरा स्केरी दिख रहा है। लेकिन अभी उतना बड़ा फॉल आएगा आई डोंट थिंक सो, मतलब नेक्स्ट वीक ही, ठीक है, नेक्स्ट वीक हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, ठीक है, इसके नीचे भी आ जाए, इसका लो टेस्ट करके थोड़ा इसके नीचे आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वीक ऐसा टाइप का कुछ कैंडल बना इसके नीचे थोड़ा सा आके देन इसके नीचे तक आ जाए, इसको ब्रेक भी करे, देन ये पॉसिबल है नेक्स्ट वीक, मुझे लग रहा है ऐसा कैंडल बन सकता है, चांसेस हैं कि इसके नीचे क्लोज करने का चांस तो मतलब अटेम्प्ट करेगा मार्केट, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में मुझे देखो अभी ऊपर चला गया तो चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया तो चला गया, वो हम लोग को नहीं मतलब वो प्रिपेयर नहीं है, हाँ देखेंगे ऊपर जा रहा होगा प्राइसेशन होगा फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। वी आर नॉट हेयर टू प्रेडिक्ट द मार्केट, लाइक हम लोग एक प्लान लेके जाते हैं मार्केट में, देन प्लान अगर उस हिसाब से हुआ देन हम लोग तो अच्छे से ट्रेड करते हैं। अगर प्लान नहीं हुआ देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जस्ट वी हैव टू रिएक्ट
ऑन द मार्केट। हम लोग को प्रेडिक्ट नहीं करना, हम लोग को एक लाइक एक दिमाग में रख के बैठ के ना, हाँ ऐसा होगा तो मैं यही करूँगा, मतलब ऐसा ही करूँगा, मैं बाई करूँगा, सेल करूँगा, वट एवर, ऐसा नहीं रखना है। अब हमको रिएक्ट करना है, ठीक है। तो हमें रिएक्ट करना है, तो रिएक्ट करने हम लोग अभी प्लान करके गए कि हम लोग को सेलिंग मिल सकता है, इसके नीचे क्लोज हो सकता है, ठीक है। इतना हम लोग एक प्लानिंग है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा होगा, देन कुछ ना कुछ तो देगा, वो सिग्नल देगा, कुछ ना कुछ आएगा, पैटर्न में आएगा, देन हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मिस डाला। डेली टाइम फ्रेम मेरा जो सेटअप में है, मुझे लग रहा है डेली टाइम फ्रेम में मंडे के दिन रिवर्सल आने का चांसेस है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल्स आने का चांसेस है, क्योंकि ये कैंडल के अंदर ही 3-4 कैंडल क्लोज कर चुका है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ क्यों मुझे लग रहा है रिवर्सल आने का चांसेस है। इसके अंदर ये वाला जो बिग बार है, इसके अंदर ये 3 दिन ऑलरेडी हो गया है, तो मंडे को हो सकता है एक रिवर्सल आए, क्योंकि ये कैंडल जब तक तोड़ेगा नहीं अच्छे से, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तब तक अच्छा सेलिंग भी नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी और मैं जो बता रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम ऐसे दिख रहा है कि इसके नीचे आने का चांसेस है, वीकली टाइम फ्रेम ऐसा लग रहा है कि इसके भी नीचे आ जाए, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये वाला कैंडल ने सारा गेम बिगाड़ के रख दिया। तो अगर ऐसा हो सकता है मंडे के दिन कि थोड़ा ये थोड़ा नीचे आए, देन ऊपर जाके यहाँ पर कहीं जहाँ पर ओपन होगा उसके आसपास कहीं पर क्लोज हो, मान लो यहीं पर ओपन हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, थोड़ा नीचे आए, देन यहीं पर कहीं पर क्लोज हो, देन डोजी टाइप का कुछ इस तरह का कुछ कैंडल बना, इस तरह का नहीं, लाइक मोस्टली इस तरह का कुछ कैंडल बनाए, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक ऐसा इस तरह का कैंडल बनाए, या फिर कलर इसका ग्रीन हो, इस तरह का कैंडल हो जाए, या फिर मतलब एकदम या इस तरह का हो जाए, इस तरह का भी होने का चांसेस है ये वाला, तो क्योंकि ये जहाँ पर ओपन हो वहाँ से स्लाइड करके फिर वहीं पर क्लोज होने का चांसेस ऐसा हो सकता है, लाइक चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे वीकली वाला ज़्यादा आपको चांसेस लग रहा है, ये वाला लग रहा है, मुझे वीकली वाला ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि वीकली वाला क्यों लग रहा है, इसके पीछे और एक रीज़न है, ठीक है। आपको देखो, आपको ऐसे ही एनालाइज करके रखना होता है। मैं डेली का क्यों बता रहा हूँ कि इसका चांसेस कम है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ठीक है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था एक डेढ़ महीने से जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है, इसका ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, तो ऐसा चांसेस है कि ये थोड़ा सा और डीप है, देन हो सकता है मूव है। और ये ऑब्वियसली ये लाइक अपसाइड चैनल है, तो ये ऑब्वियसली बेयरिश चैनल ही मैं मानता हूँ इसको। मैं इसका ब्रेकआउट फेलियर पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ना कि इसको ब्रेकआउट पर ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ये अगर मैं ब्रेकआउट भी होता ना, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ये ऊपर सेलिंग आ सकता है, बहुत शार्प सेलिंग आ सकता है। तो ये वाला मतलब जो ये चैनल होता है, इस अपवर्ड लाइक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल पे मैं ज़्यादातर मैं बेयरिश रहता हूँ कि इसको ब्रेक करेगा, देन मैं खुश होता हूँ कि अभी ये ब्रेकआउट फेलियर होगा, देन ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो अभी हम लोग को ये मिल गया, क्योंकि डेली का मुझे जो लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवर्सल होने का चांसेस तो है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम और ये वाला दोनों मुझे कंफर्ट दे रहा है कि ये रिवर्सल्स नहीं होगा शायद इतना। हाँ, हो सकता है डोजी टाइप का कैंडल बनाए, देन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स सेलिंग है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग को सबके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम लोग अभी देखते, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स में आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो जोन है, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक आपका सेलिंग नहीं होगा, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा। तो इसके नीचे आज आया, देन ठीक है, थोड़ा सा ट्रेड किया, इट्स ओके। अभी आपको कैसे ट्रेड करना है, जो सेलिंग का आपको बताया, आपको कन्फर्म कैसे होना है, एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये वाला जोन आप मार्क कर लो, ठीक है, ये वाला जोन मार्क कर लो, ठीक है। इसके नीचे गैप डाउन हो, गैप अप हो, जो भी हो, इसके नीचे आया एक बार के लिए थोड़ा जाने दो, देन ये अटेम्प्ट कर रहा है क्या, हाँ फेल हो रहा है, एक बार दो बार अटेम्प्ट किया फेल हो रहा है, देन आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, देन आपका स्टॉप लॉस छोटा सा रख के शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट कौन सा हो जाएगा, आपका टारगेट हो जाएगा इसका लो, या फिर इसका लो भी नीचे, इसका लो इतना थोड़ा दूर है, लेकिन इसका लो आपका टारगेट हो जाएगा 48,000 तक का, आपका 700-800 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा, 48,050 इस तरह का आपका टारगेट बन जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी में मुझे दिख रहा है, तो ये मैं वीकली के लिए बता रहा हूँ। और जो अगर इंट्राडे में मुझे जो लग रहा है कि अगर ये फ्लैट होता है, यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, फ्लैट होता है, देन ये नीचे आता है, देन मुझे लग रहा है कि ऐसा बनाएगा, ऐसा बन सकता है। लेकिन मैंने आपको देखो, समझो वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी बेयरिश दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि बैंक निफ्टी एक रिवर्सल दे सकता है, लेकिन रिवर्सल देने वो चांसेस थोड़ा कम क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोग का जो एक चैनल था उसका भी ब्रेकअप फेलियर हुआ है। हम लोग के पास 3 सिनेरियो है, देखो अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को लग रहा है कि बेयरिश है, ठीक है,
डेली टाइम फ्रेम में लग रहा है क्या कि रिवर्सल आएगा, लेकिन रिवर्सल क्यों नहीं आ सकता, मैं उसके पीछे का लॉजिक भी बताया, क्योंकि हम लोग का जो अपवर्ड स्लोपिंग जो चैनल था उसको भी ये ब्रेकडाउन दे दी, ब्रेकडाउन इन द सेंस वो ब्रेकआउट फेलर हुआ है, तो हो सकता है कि स्पीड से स्लाइड करे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए आपको अगर आपको देखो नीचे, अगर देखो अभी कैसे करना है आपको, अगर मानो नीचे आता है, नीचे आके आपको कुछ बुलिश साइन दिखता है, देन आपको वहाँ पर बाएँ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंडीशंस रखना, पास में कंडीशंस रखना बहुत सारा, कि हाँ कैसे कंडीशन में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी, देखते हैं निफ्टी का भी जो वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल था वो काफ़ी, मतलब अभी जो अभी बनाया जो आज प्रिंट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्कैरी टाइप का है, तो ये भी लग रहा है कि ये और ज़्यादा स्लाइड करने का चांसेस है, ठीक है। और हो सकता है ये थोड़ा सा डॉजी टाइप का बनाए, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके देन स्लाइड करे, हो सकता है ऐसा कि थोड़ा ऊपर जाके देन स्लाइड करे, देन हम लोग को अच्छा खासा एक ट्रेड मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में तो और ज़्यादा स्केरी है, क्योंकि आप देखो कितना सारा कैंडल का, 3-4 कैंडल का ये एक दिन में खा गया सारा, ठीक है, एक दिन में खा गया। और अगर आप इसका लोअर वीक पकड़ोगे तो ये तो 1-2-3-4 कैंडल का ये लोअर वीक इसको भी ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट इस कैंडल का भी नीचे तक आने लग गया। तो फिर बैंक में आपको मई महीने के जो वीडियो बनाया था उसमें आप जाके देख लेना, मैं बार बार बताया कि मुझे निफ्टी ज़्यादा वीक लग रहा है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी। तो अभी निफ्टी तो वीक दिख ही रहा है, तो निफ्टी में, निफ्टी का जो डेली वाला रिवर्सल निफ्टी में भी नहीं दिख रहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में रिवर्सल्स का चांसेस है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन फॉलो करके आप रिवर्सल्स के लिए ट्रेड करो, और एल्स आप ट्रेड मत करो रिवर्सल्स के लिए, और आप सेलिंग के लिए जो कर रहे हो वही करो, लेकिन हो सकता है रिवर्सल आए तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो, ठीक है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट है चार्ट, हर तरह का चार्ट कन्फ्लिक्ट है। इसलिए मैं बोला हम लोग मार्केट में रिएक्ट करते हैं, हम लोग प्रेडिक्ट करके उस हिसाब से एक बना लिया माइंडसेट कि हाँ मुझे मंडे के दिन सेलिंग करना है तो सेलिंग ही करना है, बाइंग करना है तो बाइंग करना है, ऐसा करोगे तो डूबोगे। अगर नीचे बाइंग दिख रहा है बाय करो, कुछ रेंज बना रहा हो कुछ कर रहा हो तो बाय कर लो, ठीक है, तब उसको ब्रेकआउट दे रहा है देन बाय कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है रिवर्सल बैंक निफ्टी में आए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो निफ्टी तो देखो पूरा वीक है, इसके नीचे आ गया तो निफ्टी क्या, निफ्टी आपको मैं पहले बता रहा था कि ये वाला जो जोन है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन ये वाला जोन के नीचे तो आ ही गया ये, और इसके नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी निफ्टी अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा सेलिंग टाइप का दिख रहा है, तो अगर इसको ब्रेक करता है ये वाला लेवल को ब्रेक करता है या फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर आता है देन हम लोग को ज़्यादा अच्छा मिलेगा ट्रेड। थोड़ा ऊपर अगर मान लो ये इस रेंज पे आ गया 600 के आसपास आया तब हम लोग को एक अच्छा खासा सेलिंग मिलेगा, ठीक है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है नीचे की तरफ देन हम लोग को सेलिंग अच्छा मिलेगा। देन हम लोग का जो एक टारगेट था मई महीने में आपको मैं बता रहा था कि ये हम लोग का टारगेट जो है इस लो को भी ये टेस्ट कर सकता है, इस लो को भी टेस्ट कर सकता है, तो और इसका इवन ब्रेक भी कर सकता है मई महीना में, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना दूर नहीं जाते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम लोग इतना होता है देन हम लोग को मतलब 22,000 के आसपास का टारगेट हो जाना चाहिए, 22,050 इस तरह का टारगेट हम लोग का हो जाना चाहिए, क्योंकि 700 पॉइंट का फॉल में अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के लिए मैं ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा मूव हो सकता है, ठीक है, और माइंड में रखना है कि अभी मंडे के दिन का पॉसिबिलिटीज में बताया, अगर फिर से सुन लो, मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि आप समझने की कोशिश करो, कंफ्यूजिंग है मार्केट, कन्फ्यूजिंग अगर आपको लग रहा होगा ये बहुत कन्फ्यूजिंग वीडियो बनाता है, नहीं, अगर आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है ना कि इसके नीचे बाय कर लो इसके नीचे सेल कर लो, आप उसका वीडियो देखे कितना दिन पैसा कमाया वो खुद बोलना, ठीक है, उस तरह से नहीं होता। मंडे के दिन दो चीज़ हो सकता है, या तो स्लाइड करेगा, ठीक है, या फिर बैंक निफ्टी स्लाइड करके फिर रिवर्सल देगा, ये चांसेस है। हाँ, मार्केट मंडे के दिन साइडवेज नहीं रह सकता, मंडे के दिन साइडवेज रहना मार्केट के लिए मुश्किल है, या तो स्लाइड करेगा या फिर स्लाइड करके फिर ऊपर जाएगा, वोलेटाइल हो सकता है या फिर स्लाइड करेगा। अभी वोलेटाइल होने के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं, स्लाइड के लिए भी हम लोग प्रिपेयर हैं, हो गया। निफ्टी में भी सेम, हो सकता है मंडे के दिन थोड़ा सा स्लाइड करे या फिर मंडे के दिन वोलेटाइल हो जाए, ठीक है, अप एंड डाउन मूव हो, तो इसलिए हम लोग को दोनों तरफ से प्रिपेयर रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।